नमस्कार, इन खबर में आप सभी का स्वागत है। द कश्मीर फाइल्स को लेकर लगातार सुर्खियों में बने अनुपम खेर अपनी अदाकारी के बाद अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। अनुपम खेर अपने विचारों को अपने सबसे खास दोस्त यानी अपने फैंस के साथ शेयर करना कभी नहीं भूलते हैं। वहीं उनके चाहने वाले भी उनकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते हैं। लेकिन इस बार तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक ऐसी वीडियो शेयर की है जो वाकई आपके होश उड़ा देगी। खैर, इस वीडियो को देखने के बाद तो फैंस भी अपनी राय देते नहीं थक रहे हैं। आइए पहले दिखाते हैं आपको वीडियो की, वीडियो में उन्होंने क्या बोला। साइकिलिंग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी के लिए बेहद हानिकारक है। यह हास्यास्पद लगता है परंतु सत्य है, कटु सत्य। एक साइकिलिंग चलाने वाला देश के लिए बहुत बड़ी आपदा है, क्योंकि वो गाड़ी नहीं खरीदता, वो लोन नहीं लेता, वो गाड़ी का बीमा नहीं करवाता, वो तेल नहीं खरीदता, वो गाड़ी की सर्विसिंग नहीं करवाता, वो पैसे देकर गाड़ी पार्क भी नहीं करवाता, और तो और वो मोटा भी नहीं होता। जी हाँ, ये सत्य है कि स्वस्थ व्यक्ति अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वो दवाइयां नहीं खरीदता, उसको जरूरत ही नहीं पड़ती। वो अस्पताल या डॉक्टर के पास नहीं जाता, उसको जरूरत नहीं पड़ती। वो राष्ट्र की जीडीपी में कोई योगदान नहीं देता। इसके विपरीत फास्ट फूड की दुकान 30 नौकरियां पैदा करती है, 10 हृदय चिकित्सक, 10 दंत चिकित्सक, 10 वजन घटाने वाले अलग अलग किस्म के लोग। पर पैदल चलने वाला इससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पैदल चलने वाला तो साइकिल भी नहीं खरीदता। जय हो। ये एक व्यंग था, आप में से कुछ लोग इसको ज्यादा सीरियसली मत लेना, मुझे ये ना बोलना शुरू कर देना कि साइकिल वालों का मजाक उड़ा रहा है, गरीबों का मजाक उड़ा रहा है। अड़ साइकिल। पिछले कई दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार उछाल आ रहा है। कई लोग तो अब स्कूटर और अपनी चमचमाती कार छोड़कर साइकिल पर उतर आए हैं। वहीं अनुपम खेर के इस वीडियो ने आपके होश उड़ा दिए होंगे। इसके साथ में अनुपम खेर कहते हैं कि यह सत्य है कि एक स्वस्थ व्यक्ति अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वो दवाइयां नहीं लेता, क्योंकि उसे जरूरत ही नहीं पड़ती। वो अस्पताल नहीं जाता, क्योंकि उसे जरूरत नहीं पड़ती। वो डॉक्टर से नहीं मिलता, क्योंकि उसे जरूरत नहीं पड़ती। राष्ट्र की जीडीपी में कोई योगदान नहीं दे रहा। इसके विपरीत फास्ट फूड की दुकान 30 नौकरियां पैदा करती हैं, 10 हृदय चिकित्सक, 10 दंत चिकित्सक, 10 वजन घटाने वाले अलग अलग तरीके के लोग। पर पैदल चलने वाला इससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पैदल चलने वाला साइकिल भी नहीं खरीदता। खैर, आपको अनुपम खेर का यह वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। तो ऐसी ही खबरों पर रहेगी हमारी नजर, आप देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।